आज की इस वीडियो में हम अस्तर वाले ड्रेस की कटिंग सीखेंगे। जो नेट के ड्रेस जो सिलते हैं जिसमें अस्तर लगाया जाता है, तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं बताऊंगी। ये बाकी अस्तर वाले ड्रेस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मेरा ये अस्तर का फैब्रिक है, तो ये लैक्रा फैब्रिक है। इसमें पना बहुत बड़ा होता है, इसलिए मैंने इसे 1 मीटर ही यूज़ किया है। आप दूसरे जो फैब्रिक यूज़ करें तो उसके लिए 1.5 या 2 मीटर का फैब्रिक यूज़ कीजिए अपनी लेंथ के हिसाब से। और ये रहा मेरा नेट फैब्रिक, तो ये नेट फैब्रिक जो है मेरा ये 2.25 मीटर के आसपास है। मैं मेजर करके आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए मैंने डबल अभी फोल्ड किया हुआ है, उसी से ही मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ये 2.25 मीटर के आसपास है। तो अब हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताएंगे, जो बहुत ही इजी वे में है, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये इजीली समझ आ जाए। तो ये देखिए मेरा लैक्रा फैब्रिक है अस्तर, जो इनर है हमारा उसे मैंने इस तरह डबल फोल्ड किया है अच्छी तरह से, और फिर इसे 4 फोल्ड कर लिए, यानी कि मेरा जो पाना था उसी में ही 4 फोल्ड आ गए। तो मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक की जो है ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये देखिए ये 4 फोल्ड हो गए मेरे। अभी इसे हम अच्छी तरह से जमा लेंगे ताकि बीच में कुछ भी कम ज़्यादा ना हो फैब्रिक में। तो आगे पीछे के जो हमारे दोनों ही साइड हैं वो बराबर से कट के निकल जाएंगे। यहाँ पर मुझे टोटल लेंथ जो चाहिए हमारे कुर्ते की वो 38 चाहिए, लेकिन अस्तर को हम थोड़ा शॉर्ट रखते हैं तो 36 लेंथ ले लूँगी, और 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मैं सिलाई, मतलब अंदर फोल्डिंग के लिए, मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर मेरे अस्तर की लेंथ आ गई है 37। यहाँ मैं मार्किंग कर लेती हूँ, और यहीं से हम जो है शोल्डर की भी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। सिंपली आप जो सादा ड्रेस कट करते हैं आपको पहले वैसे ही कट करना है। थोड़े बहुत चेंजेस है मैं बताते जाऊंगी बीच में। तो यहाँ पर शोल्डर मैंने 6.5 ले लिया है, 6.5 इंच शोल्डर लिए, इसीलिए आर्म होल भी मैं 6.5 इंच ले लूँगी। आपका जितना भी आए आप उसके हिसाब से मार्किंग कीजिए। अब यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। चेस्ट मेरा 36 है टोटल, 36 मेरा चेस्ट है। उसका 4th पार्ट ले लेंगे हम, तो 4th पार्ट मेरा 9 इंच आ जाएगा। 36 का 4th पार्ट 9 इंच, तो 9 इंच पे पहले हम एक मार्किंग कर लेंगे, साथ ही साथ हम फिटिंग की भी मार्किंग करते जाते हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा बाद में आप ले, पहले एक मार्किंग परफेक्ट मेजरमेंट की ले लीजिए। अब 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे ये मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए जो हम अंदर छोड़ते हैं। अब यहाँ से हमें 12 या 13 इंच पे एक मार्क करना है, जो हमें वेस्ट का साइज, वेस्ट की लेंथ बताता है। तो मेरा वेस्ट साइज है टोटल 32। अब 32 का भी हम 4th पार्ट ले लेंगे। 8 इंच आ रहा है, 8 इंच पे यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे। और इसमें भी अब हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे, जो हमें सिलाई के लिए लगता है। अब यहाँ से हमें जो चेस्ट के नीचे से हमें 13 या 14 इंच पे एक मार्किंग करनी है, जो हमें हिप के लेंथ के लिए चाहिए। हिप की लेंथ हमारी 13-14 इंच पे ले लीजिए। अब हिप का साइज़ मेरा 36 इंच है, तो 36 का भी वापस से 9 इंच आ जाएगा 4th पार्ट। और 9 इंच पे मैं ऐसे ही बिल्कुल मार्क कर लूँगी। अब हमें हिप के बाद में चाक मोड़ना होता है, तो चाक के लिए हम 2 इंच नहीं, 1.5 इंच काफ़ी होता है, तो 1.5 इंच लेंगे। 1 या 1.5 इंच लीजिए आप चाक, जितना चौड़ा मोड़ना चाहें। अब बाकी के सभी तीनों पॉइंट को हम मिला देंगे, अंदर वाले भी और बाहर वाले भी। अंदर वाला पॉइंट मिलाने से हमें जो है फिटिंग का पता चल जाएगा, जब हमारा कुर्ता सिल के रेडी होएगा तो फिटिंग लगाने में आसानी होगी। अब यहाँ पर 1.5 इंच हम लेंगे और इस तरह से आर्म होल को कर्व दे देंगे। अब यहाँ पर 1/2 इंच हम अंदर की तरफ लेंगे, वापस से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, और फ्रंट के लिए गहराई को मार्क कर देंगे।
अंदर के जो हमारा फ्रंट साइड होता है उसके आर्म होल की गहराई आधा इंच अंदर की तरफ गहरी होती है। इससे क्या है, फिटिंग परफेक्ट आती है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमारे कुर्ते को अच्छा सा लुक देती है और फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट बनाती है। यहाँ तक कि हमारी जो है मार्किंग रेडी हो चुकी है। अब हमारा जो बॉटम घेरा है उसकी हमें कितना चौड़ा हमें चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं 9 इंच लूँगी, जितना मेरा हिप है उतना ही ले लूँगी। याद रखें, आप जब भी बॉटम घेरा ले तो हिप जितना ले या उससे थोड़ा ज़्यादा लीजिए, लेकिन उससे कम बिल्कुल ना लें। अब यहाँ पर 10.5 इंच पर मैं मार्क कर लूँगी, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर चाक बनाने के लिए। अब इस तरह से हम जो है सीधी लाइन बना लेंगे स्केल की मदद से चाक के लिए। ये देखिए, बाहर की साइड सिर्फ लगाना काफ़ी है, अंदर की तरफ लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि चाक में कोई फिटिंग नहीं होती। अब यहाँ 1/2 इंच पर हमें मार्क करना है और शोल्डर को थोड़ा सा डाउन करना है, तो इससे भी फिटिंग में बहुत अच्छा लुक आता है और परफेक्ट फिटिंग बनती है। अब हमें साइड से बाहर की तरफ से पूरी कटिंग कर लेनी है जो हमने मार्किंग की थी, बाहर की ही तरफ से करनी है भी। ये देखिए, हमारा जो है कटिंग होकर रेडी हो चुका है। अब हमें जो कट्स लगाना है, जहाँ पर हमें चौक स्टार्ट करना होगा वहाँ पर हम एक छोटा सा कट्स लगा लेंगे। अब एक पल्ला हम निकाल लेंगे अंदर के साइड का, ये बैक साइड है हमारा और ये है फ्रंट साइड। अब इसके आर्म होल की गहराई हम कट करके निकाल लेते हैं। तो ये हमारा इनर की कटिंग रेडी हो गई। हम डायरेक्ट नेट पर इसीलिए नहीं कट कर रहे हैं क्योंकि उसमें मार्किंग बराबर नहीं दिखेंगी और जो है इनर परफेक्ट होना चाहिए हमारा। नेट ऊपर की हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाद में कट कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नेट जो है बहुत ही स्ट्रेचेबल होती है, या कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्लोपी होती है, स्लिप होती है, तो उसमें मार्किंग करना ठीक नहीं होता। इसीलिए पहले आप इनर पर ही मार्क करें और उसके बाद में इनर रख कर इस तरह से नेट की कटिंग कर लीजिए। तो देखिए, मैं एक एक फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग करके कट करूँगी। तो यहाँ पर मैं पहले बैक साइड कट कर लेती हूँ। इस तरह हम इनर को जमाएंगे और देखिए यहाँ पर मेरी एक्स्ट्रा निकल रही नेट, तो हमें बचा लेना चाहिए ताकि स्लीव्स भी अच्छी से आ जाए। इसलिए मैं इसे कम कर लेती हूँ, जितना हमें इसकी ज़रूरत है उतना ही लेंगे। अभी ये सफिशिएंट है तो ये ठीक है। तो पहले हमें जो है लेंथ देख लेनी चाहिए, हमारी जो टोटल लेंथ होना चाहिए कुर्ते की वो 38 इंच होना चाहिए। तो यहाँ पर 38 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। और अब यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी जो हमें फोल्ड करना है नीचे की तरफ, तो यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब ऊपर से शोल्डर हमें जो हमारी मार्किंग हुई है 38 इंच पे, वहाँ पर हमें कर लेनी है, जमा लेनी है इनर के शोल्डर, और बिल्कुल एज इट इज़ हमें इनर के बराबर से इसे कट कर लेना है। अच्छी तरह से आप जमाइए। जो फोल्डिंग साइड होता है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कम ज़्यादा ना हो आपके इनर का और नेट का, तो वहाँ से आप ध्यान रखिए क्योंकि ये कम ज़्यादा हो गया तो फिर आपका इनर और नेट जो है वो बराबर नहीं बैठेंगे। अब साइड से हमें कट कर लेना है, जिस तरह से हमने कट किया था बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, मैंने ये कट करके निकाल लिया। अब नीचे से जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ना था वो भी कट कर लेते ताकि फोल्ड करने में हमें दिक्कत ना हो। अभी देखिए हमारा ये बैक साइड जो है कट के रेडी है। इसका साथ ही साथ हम नेक भी कट कर लेते हैं।
नेक की जो हमारी चौड़ाई है वो मुझे यहाँ पर 2.5 इंच लेनी है, और नेक की जो गहराई है हमारी लेंथ होंगी बैक साइड के नेक की वो 3.5 ले लेंगे। आपको जितना ज़रूरी लगे आप उतना लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसी तरह से फ्रंट साइड भी कट करके निकाल लेंगे। जितना हमें ज़रूरी लगे उतना ही नेट यूज़ करेंगे, बाकी का हमें स्लीव्स के लिए काम आएगा। अब ये यहाँ पर हमारा 38 इंच आ गया है। जिस तरह हमने बैक साइड में लिया था 38 इंच, उसी तरह से हमें फ्रंट साइड में भी 38 इंच ले लेनी है, और इसी तरह से हमें इनर जमा लेना है इसके ऊपर अच्छी तरह से। और साइडिंग बिल्कुल ध्यान दीजिए आप, जो फोल्डिंग साइड होती है वो बराबर से एक के ऊपर एक होनी चाहिए, और तभी आपका जो है कुर्ता परफेक्ट बैठेगा। तो ये हम फ्रंट साइड भी कट करके निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये अभी रमज़ान ईद है तो बहुत से लोग जो है ड्रेस सिलाते हैं या ख़ुद भी सिलते हैं, तो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि तो इनर वाले ड्रेस जो है ज़्यादा लोग पहनते हैं। तो ये बहुत इजी मेथड है, आप लोग लास्ट तक देखिए, क्योंकि स्टिचिंग में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि किस तरह हम ड्रेस जो है सिलने में हमें आसानी हो सकती है। अब यहाँ पर हम फ्रंट साइड का भी नेक कट कर लेंगे। वैसे ही मैंने चौड़ाई 2.5 इंच ली है 2.5, और गहराई मैंने यहाँ पर 7 इंच ले लिए। तो ये हमारा फ्रंट और बैक साइड दोनों रेडी है। अब हमें स्लीव्स कट करना है, तो बची हुई नेट मेरी यहाँ पर इजीली स्लीव्स बना लेंगे। स्लीव्स में भी मैं पूरा ये जो बॉर्डर है हमारा वर्क किया हुआ ये यूज़ कर लूँगी, इससे अच्छा लुक आएगा हमारे ड्रेस का। तो स्लीव्स की टोटल लेंथ मुझे 17 इंच चाहिए, पर हाफ इंच मुझे मार्जिन के लिए चाहिए एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। और नीचे से एक इंच हम फोल्डिंग के लिए ले लेंगे। अब हमारा जो है आर्म होल 6.5 इंच था, उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे स्लीव्स के लिए, यानी कि 8.5 इंच पे यहाँ पर हमें मार्क करना है। अब यहाँ से 2.5 इंच हमें नीचे की तरफ 2.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है, और स्लीव्स का शेप दे देना है, आस्तीन का जो है हमें शेप दे देना है, कर्व शेप। अब नीचे से तो मैं अम्ब्रेला लुक दूंगी आस्तीन को, बेल स्लीव्स, तो उसी तरह मैं कट कर लूंगी। अब बाकी की स्लीव्स भी हम कट कर लेंगे। अब सेंटर पॉइंट कर लेंगे मार्किंग, क्योंकि हमें जब स्लीव्स अटैच करनी होंगी तो ये मार्किंग बहुत इम्पोर्टेंट देती है शोल्डर पे। तरह हमने स्लीव्स भी कट कर ली। अब स्लीव्स का फ्रंट और बैक साइड भी आर्म होल की तरह होता है, तो इसे भी हम गहराई देंगे फ्रंट के लिए, हाफ इंच गहराई दे देंगे अंदर की तरफ और कट कर लेंगे। इसे मार्क कर लेते हैं ताकि पता चले कि ये फ्रंट साइड है। अब चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमें जो है मार्किंग जो की थी आपने, उस तरफ से आपको नेट नहीं बिछानी है, उसे पलटा के पीछे की तरफ करना है और इनर रखना है, इनर सीधा रखना है आपको। अगर आपका इनर शाइनी है, उल्टा सीधा उसमें पता चलता है, तो आपको सीधा रखना है इनर, और उसके ऊपर नेट जो है वो भी सीधी रखनी है, दोनों सीधा रखना है आपको।
ये बात का ध्यान दीजिए। मार्किंग हमने उल्टे साइड की है और सीधे तरफ हमें इनर रखना है पहले, उसके ऊपर हमें सीधी नेट रखनी है और फिर उसके बाद में हमें पूरा अस्तर के साथ में इसे ज्वाइन कर लेना है। लेकिन ज्वाइन करने से पहले आपको ये नीचे साइड में जो है फोल्ड कर लेना है, बॉटम घेरा जो इनर का है हमारा उसे फोल्ड कर लेना है। अब ये जिस तरह हम तैयार करेंगे वैसे ही हमें बैक साइड भी तैयार करना है। सीधा आप इनर रखिए और सीधा आपको नेट भी रखनी है। ये तैयार करने के बाद में हमें इस तरह से 2 इंच की पट्टी कट करनी है और नेक तैयार कर लेना है। आप जिस भी तरीके से नेक तैयार करते हैं आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पर पट्टी का यूज़ करके ही नेक तैयार कर लूँगी। तो चलिए अब हमारी मशीन रेडी है, हम सिलाई चालू कर लेते हैं। पहले हमें सबसे पहले नेक जोड़ना चाहिए क्योंकि नेक जो है सेंटर रहता है तो बाकी की सभी चीज़ें फिर परफेक्ट बैठती है। क्वार्टर इंच आप छोड़ते हुए सिलाई लगाइए। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली नेक पे। अब हमें जो है इनर की तरफ से पहले इसे जोड़ लेना है। इनर की तरफ से क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमें जो है फ्रंट साइड फिर हमें नेट जो है बराबर बैठाने में दिखता है तो सही पता चलता है। चलिए पहले हम बॉटम घेरा जो है उसे फोल्ड कर लेते हैं। अब देखिए नेट हम नीचे कर लिए हैं और इनर ऊपर कर लिए। पहले इधर का हम सिलाई मार के जोड़ लेंगे, इसे ज्वाइंट कर लेंगे अस्तर को और नेट को। बड़ी सिलाई से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे ताकि हमें जो कुर्ता सिलने में आसानी हो, फिनिशिंग के साथ हमारा जो है ड्रेस तैयार हो। अब एक तरफ हमने सिलाई कर ली है तो अब देखिए दूसरी तरफ हमें सिलाई करने में आसानी हो जाएंगी। जो नेट है हमारी वो बराबर हमें दिखेंगी कि बीच में जो है वो लम्स ना आ रहे हो या कुछ ऐसा प्रॉब्लम ना हो रही हो कम ज़्यादा, वो हमें पता चल जाता है। इस तरह हम बराबर करते जाएंगे और सिलाई मारते जाएंगे। कभी ऐसा होता है कि नेट हमारी बड़ी कट जाती है या ऊपर का जो हमारा हिस्सा होता है इनर के ऊपर का वो बड़ा कट जाता है, तो इसमें इजीली हमें पता चल जाता है, हम एक्स्ट्रा का इस साइड ले लेंगे और फिर उसे बाद में कट कर लेंगे। लेकिन यहाँ हमारा देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं हुआ है। ये देखिए हमारा जो इनर का फोल्डिंग साइड थी वो भी अंदर की तरफ फोल्ड हुई है। फ्रंट साइड हमारा रेडी है, इसी तरह हम बैक साइड भी रेडी कर लेंगे। पहले हम नेक तैयार कर लेते हैं फ्रंट साइड का। इस तरह 2 इंच की हमने पट्टी कट की थी और उसी से ही हम नेक तैयार कर लेंगे। पट्टी लगाने के बाद में आप कट्स लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे पट्टी जो है इजीली हमारी पलट जाती है और नेक जो है फिनिशिंग में आ जाता है। तो ये कट्स भी हमने लगा लिया है पूरा, अब इजीली पट्टी जो है हमारी फोल्ड हो जाएंगी। अब हम इसी तरह बैक साइड भी तैयार कर लिए हैं, तो आप देख सकते हैं गला भी हमने बना लिया है पट्टी लगाकर। फ्रंट और बैक दोनों रेडी है। अब हमें सीधा कपड़ा रखना है बैक साइड का, उसके ऊपर उल्टा कपड़ा हमें फ्रंट साइड का रखना है और दोनों के शोल्डर जोड़ने हैं। शोल्डर आप बराबर से जोड़ें ताकि पट्टी का जो सिलाई का हिस्सा है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाए, और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम शोल्डर पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है, अब दूसरा शोल्डर भी हम उसी तरह जोड़ लेंगे। ये हमारा शोल्डर जुड़ चुका है। अब नेक को हम जो है फिनिशिंग दे देते हैं, पट्टी हम फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे।
तो देख सकते हैं आप, नेक हमारा बन के रेडी है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना है और कोई भी दिक्कत या कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आई है। हालांकि ये बहुत ही स्लोपी होता है ये लाइक्रा कपड़ा, और जो नेट है वो भी बहुत स्लोपी है, पर फिर भी बहुत इजीली हमारा जो है नेट तैयार हो चुका है ये नेट का नेक। अब ये देखिए हमें स्लीव्स लगानी है, तो ये फ्रंट साइड हमें लगाना है लेकिन बैक साइड में आएंगा ये, तो इसलिए अब हम दूसरी स्लीव्स देख लेंगे जो हमने चौक की मार्किंग की थी। ये फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड में हमें जो मार्किंग वाली है स्लीव्स वही लगानी है और उल्टे साइड रखना है हमें। तो ये कट्स लगाया था हमने, सेंटर मार्किंग की थी स्लीव्स की, उसे हम इस शोल्डर पर रख लेंगे और ये हमारी स्लीव जो है उल्टी रखना है हमें सीधे कपड़े पे। अब इसे हम अंदर की तरफ मोड़ लेंगे पहले। अब हमें स्लीव्स अटैच कर लेनी है सेंटर से। अगर आप पूरा ड्रेस सिलने के बाद स्लीव्स अटैच करते हैं वो भी सही है, पर ये भी मेथड बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, अगर आपको कभी लूज टाइट करने का कोई इशू रहे तो ये इजीली लूज टाइट हो जाता है। आप डायरेक्ट अगर सिलने के बाद स्लीव्स जोड़ते हैं तो उसमें कस्टमर को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, कभी लूज टाइट करना है तो फिर उन्हें पूरा खोलना पड़ता है आर्म होल वगैरह, इसलिए ये स्लीव्स का भी तरीका इजी है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और वो चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक तरफ की हमने स्लीव जोड़ ली, दूसरी तरफ की भी जोड़ ली है। अभी हमारा जो है स्लीव्स बन के तैयार है, अब हम फिटिंग लगा लेंगे ड्रेस की। तो जो हमने मार्किंग की थी फिटिंग की, जब हम मार्किंग कर रहे थे तो अंदर की तरफ जो मार्क किए थे वही हमारा परफेक्ट फिटिंग थी, तो दूसरी तरफ भी हम 2-2 इंच की मार्जिन पर निशान लगा लेंगे, तो ये भी हमारी दूसरे साइड की फिटिंग हो जाएंगी। अब हमें चौक के पास से 1.5 इंच छोड़ना है क्योंकि हमने उधर भी 1.5 इंच छोड़ा था। इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे और इसे शेप दे देंगे हर पॉइंट को मिलाकर, तो नीचे की तरफ हमारा चौक भी बन जाएगा। चलिए अब मैं फिटिंग लगा के आपको बता देती हूँ और स्लीव्स की भी हम मार्किंग कर लेते हैं। स्लीव्स का कोई इशू नहीं है कफ का, मैं बेल स्लीव्स रखी हूँ, आपको कफ अगर चाहिए कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। इस साइड की भी स्लीव्स में हम मार्किंग कर लेते हैं। अगर आप स्लीव्स में भी इनर लगाना चाहें तो बराबर से आप स्लीव्स में भी इनर लगा सकते हैं, हाफ या 3/4 जितना भी। ये देखिए हमारा जो है फिटिंग रेडी हो चुकी है दोनों साइड की। अब हमें चौक बनाना है, तो चौक का वही मेथड होता है, इसका कोई अलग मेथड नहीं है चौक का। सिंपल हमें 2 बार फोल्ड करना है और पूरे चौक में सिलाई लगा लेनी है। डबल सिलाई भी लगा सकते हैं आप, सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं। डबल लगाने से फिनिशिंग और अच्छी आती है। तो ये हमारा जो है इनर के साथ में नेट का ड्रेस बिल्कुल रेडी है। आप बताइए मुझे कैसा लगा और मेरे बताने का तरीका कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सब्सक्राइब करके वीडियो देखकर ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ड्रेस। थैंक यू सो मच।